दोस्तों आप सब साइंस में लॉज तो पढ़े ही होंगे, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो या फिर बॉयल्स लॉ हो या फिर एवोगैड्रोस लॉ हो। पर आज हम यहाँ पे एक ऐसा लॉ को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, जिस लॉ को हम में से शायद 99% लोगों को पता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टेट करता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए इस लॉ को प्रैक्टिकली समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज, स्वागत करता हूँ आप सबको कॉस्मिक वर्ल्ड की चैनल पे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लॉ को समझने के लिए पहले हम एक एनर्जी सोर्स की एग्जांपल लेंगे, जो कि है हमारा विंड टरबाइन, जहाँ पे हवा से एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है। हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, अगर वो मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों बहती हुई हवा में काइनेटिक एनर्जी रहता है, और यही हवा जब विंड टरबाइन की ब्लेड से टकरा कर पास करता है, तब हवा की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है। ये टरबाइन शाफ्ट के जरिए एक जनरेटर से कनेक्ट रहता है और अपने साथ साथ ये जनरेटर की शाफ्ट को घुमाता है। शाफ्ट में मौजूद आर्मेचर मैग्नेट्स की मदद से इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर्स के जरिए ट्रांसफार्मर्स के थ्रू हमारे घरों तक या फिर इंडस्ट्रीज तक पहुंचता है। यहाँ से शुरू होता है मास कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू वेरियस एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि हम चीज़ों को देख सकें, और साथ ही ये उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जब हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को छूते हैं, तब ये हमें गर्म फील होता है। यहाँ पे इस हीट को हम एक लॉस मानते हैं, क्योंकि इस हीट को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, अगर कपड़े इस्त्री करना चाहते हैं हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके, तो आप एक आयरन को काम में ले सकते हैं, क्योंकि आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों एक माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माइक्रोवेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक बैटरी में इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों ये हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात, आइए कुछ और एनर्जी ट्रांसफर के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम सब एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए बाइक, कार या फिर बस का इस्तेमाल करते हैं, और इन व्हीकल्स में पेट्रोल या फिर डीजल की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों कोयला में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी जलकर थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसमें प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दोस्तों इन एग्जांपल में से हमें ये पता चल रहा है कि इनमें से ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो कि एनर्जी को बना सके या फिर उसे नष्ट कर सके। ये सब एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझ गए हों। आपके लिए एक सवाल, हमारी बॉडी कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नया वीडियो के साथ।